If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. Hello, namaste, how are you all today? कल मैंने पहली बार अपने हाथों में पोर्ट्रेट मेहंदी ट्राई की है. Yesterday, first time I tried portrait mehndi on my palm. हालांकि मैं उसकी आउटकम से, फाइनल रिजल्ट से इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन जो भी बना है अच्छा बना है. I am not quite satisfied with the final result, but whatever I created, it's beautiful. और मैंने सोचा था कि अगर एक व्यक्ति भी सही गैस कर लेगा कि ये कौन है, तो मैं ये वीडियो डेफिनेटली, ये ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो आप लोगों को हिना का थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसने सही गैस किया है. एक्चुअली आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ इफ एटलीस्ट वन पर्सन विल गैस इट राइट, आई विल शेयर दिस ट्रिक विथ ऑल ऑफ यू. आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने एक अपना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हाउ टू ट्रांसफ़र डिज़ाइन फॉर बॉडी आर्ट ऑन योर बॉडी. बॉडी के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसका मैंने एक वीडियो शेयर किया था. हम बस एग्जैक्टली वही ट्रिक का इस्तेमाल इसके लिए, पोर्ट्रेट मेहंदी के लिए करेंगे. सो लेट मी टेल यू अबाउट मटेरियल्स. मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ. हमें कार्बन पेपर चाहिए होगा, वेरी गुड क्वालिटी कार्बन पेपर वी नीड. देन वी नीड पेंसिल टू ट्रेस अवर डिज़ाइन. हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन ट्रेस करने के लिए. हमें सीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी. फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रेसिंग पेपर की. देन वी नीड ट्रेसिंग पेपर. Then we need a design, the portrait, the image we want to transfer. जिसकी design हमें transfer करनी है, उसकी photo जो हमने print out, normal print out paper पर हम निकाली है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी. उसकी size हमारे palm जितनी होनी चाहिए, image की size palm जितनी होनी चाहिए. Then we need the image whose portrait we are creating, and that print out I took out on a normal printing paper. Normal printing paper के ऊपर ये print out निकाला गया है. And yes, I am using Shahid Kapoor as my demonstration purpose. Shahid Kapoor की photo मैं use कर रही हूँ demonstration के purpose पे. And size of that image should be the size of our palm. Image की size हमारे palm की जितनी होनी चाहिए. And I took out black and white printout. ब्लैक एंड वाइट मैंने प्रिंट आउट निकाला है. और हमें चाहिए उसके बाद, इमेज के बाद हमें चाहिए होगा या तो डिओडरेंट या तो रबिंग अल्कोहल. वी नीड आइदर डिओडरेंट और रबिंग अल्कोहल. रबिंग अल्कोहल इज़ अ नॉर्मल मेडिकल अल्कोहल दैट यू कैन बाय फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर. रबिंग अल्कोहल जो घाव साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है. अब मैं जो भी स्टेप्स कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसे ध्यान से देखिए. प्लीज़ वॉच ऑल द स्टेप्स केयरफुली. कीप कार्बन पेपर द कार्बन साइड अप. कार्बन पेपर की जो कार्बन साइड है, जहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, उसको ऊपर की ओर रखिए. फिर कार्बन साइड जो पेपर है उसके ऊपर आप ट्रेसिंग पेपर रखेंगे. पुट ट्रेसिंग पेपर ऑन द कार्बन साइड ऑफ द कार्बन पेपर. फिर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आएगा हमारा इमेज. देन ऑन ट्रेसिंग पेपर वी विल हैव अवर इमेज. सो द स्टेप शुड बी कार्बन पेपर, कार्बन साइड अप, देन ऑन कार्बन साइड वी नीड ट्रेसिंग पेपर, देन ऑन टॉप ऑफ ट्रेसिंग पेपर वी विल हैव अवर इमेज. कार्बन पेपर के कार्बन साइड पे ट्रेसिंग पेपर, फिर उसके ऊपर हमारी इमेज. दिस शुड बी द स्टेप. Why we are following this process? Because we don't want a mirror reflection of the image we are using. हमें mirror reflection, mirror image नहीं चाहिए, इसलिए हम इस तरह ये process follow कर रहे हैं. फिर मैंने स्कॉच टेप से हमारी इमेज को कार्बन पेपर के ऊपर स्टिक कर दिया है, क्योंकि जब हम ट्रेसिंग कर रहे हो तो वो हिले ना. स्टिक योर इमेज विथ अ स्कॉच टेप बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट इट टू मूव वाइल वी आर ट्रेसिंग अवर इमेज. अब ये जो इमेज ट्रांसफ़र की ट्रिक है, मैंने अपने आर्ट क्लास में बहुत आर्टिस्ट लोगों को करते हुए देखा है. आई हैव सीन मैनी आर्टिस्ट यूजिंग दिस इमेज ट्रांसफ़र ट्रिक इन माई आर्ट क्लास.
बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पेंटिंग कर सकते हैं, कलर ले कर सकते हैं, लेकिन वो पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं कर सकते। तो वो लोग इस तरह की इमेज ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करते हैं कैनवास पे इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। देर आर सो मैनी आर्टिस्ट हु कैन डू पेंटिंग बट दे कैनॉट ड्रॉ पोर्ट्रेट, सो दे यूज़ दिस काइंड ऑफ इमेज ट्रांसफ़र ट्रिक टू ट्रांसफ़र द इमेज ऑन द कैनवास। सो फ्रॉम देम आई हैव ऑब्जर्व दिस ट्रिक इन माई आर्ट क्लास। उन लोगों को मैंने जब देखा इस तरह से इमेज ट्रांसफ़र करते हुए कैनवास पे, सो दैट वॉज द इंस्ट्रूमेंटल। ये मेरी आइडिया के पीछे यही ऑब्जर्वेशन मेरा काम कर गया कि क्यों ना मैं इसी आइडिया को और मेरी जो टेक्निक है बॉडी ट्रांसफ़र की, उस दोनों को कंबाइन करके हम पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हैं। सो आई जस्ट कंबाइन माई टू आइडियाज़ एंड डिसाइडेड टू ट्राई दिस पोर्ट्रेट मेहंदी। नाउ वॉट यू हैव टू डू, आप लोगों को जो भी फीचर की शार्प लाइन्स है उसको परफेक्टली ट्रेस करना है। वॉट एवर शार्प लाइन्स द फीचर लाइन्स वी हैव टू जस्ट ट्रेस दोज लाइन्स। बारीक जो डिटेल्स है उसमें मत जाइए, जो फीचर्स की शार्प लाइन है बस उसको ही आपको ट्रेस करना है, जैसे कि हेयर लाइन है, चिन लाइन है, लिप्स है, नोज है, आइज है। वी हैव टू जस्ट फॉलो दोज फीचर्ड लाइन एंड ट्रेस देम, बट यूज़ हार्ड प्रेशर। हार्ड प्रेशर से ये सब ट्रेस कीजिएगा, तभी आपकी जो कार्बन इमेज है वो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर क्लियरली ट्रेस होगी। यूज़ लिटल बिट हार्ड प्रेशर, देन यू विल गेट अ वेरी गुड इम्प्रिंट ऑन ट्रेसिंग पेपर। So your carbon transfer is ready to transfer on your body. तो आपकी कार्बन ट्रांसफ़र तैयार है आपकी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए। आप देख सकते हो अच्छे से ये कार्बन तैयार हुआ है। बट इफ़ यू फील द कार्बन इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ, अगर आपको लगे कि कार्बन स्ट्रांग इनफ नहीं है हाथ पे इम्प्रिंट करने के लिए, देन यू कैन रीट्रेस इट अगेन विथ डार्क कलर पेंसिल। अगर आपको लगे कि ये कार्बन थोड़ा सा कम है और आपके हाथों के ऊपर वो अच्छे से प्रिंट नहीं देगा, तब आप डार्क जो पेंसिल होती है हमारी 6B, 8B, 5B's, उस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करके आप इमेज को रीट्रेस कर सकते हैं, वापस उसको ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो कार्बन होता है वो बहुत ही फेंट होता है, समटाइम्स द कार्बन इज़ सो फेंट इट्स डिफ़िकल्ट टू सी द इम्प्रिंट ऑन आवर बॉडी। तो कार्बन बहुत फेंट होने की वजह से, कम होने की वजह से जो इम्प्रिंट होती है वो बहुत ही फेंट होती है और वो अच्छे से हमें दिखाई नहीं देती, तब आप कोई भी डार्क पेंसिल से उसको रीट्रेस इस तरह से कर सकते हो। डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने पहले रबिंग अल्कोहल लगाया। आप डिओडोरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आई एम कम्फर्टेबल विथ रबिंग अल्कोहल, सो आई अप्लाइड रबिंग अल्कोहल, देन आई प्रेस द डिज़ाइन द कार्बन साइड डाउन, then I again press that rubbing alcohol cotton on that design। मैंने पहले rubbing alcohol लगाया, फिर carbon side जो design है उसको उसके ऊपर बहुत ज़ोर से press किया ताकि हर एक design है जो मेरे हाथों पर print हो जाए। फिर अपने हाथों से भी मैंने वो rubbing alcohol वाले cotton से design को अच्छे से प्रेस किया। कोशिश करना कि आप अच्छी तरह से हर एक लाइन को कवर करो रबिंग alcohol से, तभी ये design print होगा। अब आप देख सकते हो कि मेरा डिज़ाइन मेरे हाथ के ऊपर छप चुका है और अब ये अगले पड़ाव के लिए इसके ऊपर मेहंदी से कौन से काम करने के लिए मेरा ये पोर्ट्रेट डिज़ाइन ट्रांसफ़र है वो रेडी है। नाउ माय डिज़ाइन ट्रांसफ़र इज़ रेडी टू वर्क विथ अ मेहंदी कोन। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप पोर्ट्रेट मेहंदी कर रहे हो तो अपने रेफरेंस को अपने आँखों के सामने हमेशा रखिएगा। ऑलवेज कीप योर रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यू हैव टू कीप रेफरिंग योर रेफरेंस ऑल द टाइम वाइल क्रिएटिंग शेडिंग्स एंड वाइल ड्राइंग ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स। आपको हर वक्त अपने रेफरेंस को चेक करते रहना पड़ेगा कि आप कहाँ पर शेडिंग करोगे और कहाँ पर जो फीचर्ड की इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आप ड्रॉ करोगे। सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि कीप योर रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ योर आइज, अपने आँखों के सामने आप अपने रेफरेंस को हमेशा रखिए। और शेडिंग इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस पोर्ट्रेट मेहंदी। शेडिंग इज़ पोर्ट्रेट मेहंदी का बहुत ही अविभाज्य अंग है, तो शेडिंग की प्रैक्टिस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हाउ टू डू शेडिंग्स प्रॉपरली।
और इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रिंट आउट की है. मैंने दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट बिकॉज आई कैन सी वेर इज़ द शेडिंग, वेर इज़ अ हाईलाइट, सो आई कैन सी ऑन बेस ऑफ ग्रे स्केल. इसीलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाली है क्योंकि मैं देख सकूँ कि डार्क पार्ट कहाँ पे है, लाइट पार्ट कहाँ पे है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रे स्केल हुआ है. सो आई विल एडवाइज यूज़ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट. इट विल बी मच ईजियर वाइल डूइंग योर शेडिंग. अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट होगा तो शेडिंग के लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा. अब मैं खुद अपने हाथों पर ये डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर रही थी, वो थोड़ा ट्रिकी, बहुत एक्चुअली ट्रिकी हो रहा था मेरे लिए एक हाथ से डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करना. तो मैंने अपनी बेटी से भी इसके लिए मदद ली. लेकिन अगर आप किसी और के हाथ में अगर करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा. इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू यूज़ ओनली वन हैंड एंड ट्रांसफ़र डिज़ाइन ऑन माई ओन पाम. सो आई टुक हेल्प फ्रॉम माई डॉटर, बट इट इज़ एडवाइजेबल इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस ऑन समबडी एल्स, बिकॉज इन दैट वे यू हैव प्रॉपर एंगल टू वॉच एंड that could be more helpful in your final result. अगर आप किसी और के हाथों में कर रहे हो तो आप draw करते समय भी angle को perfect अपने और से देख पाओगे तो उसका final result के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा. Because my angle was not very clear, I was having difficulty while drawing my पोर्ट्रेट. मेरा एंगल करेक्ट नहीं हो रहा था हाथ का मेरे सामने, तो इसी वजह से भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. सो आई विल एडवाइज़ यू टू ट्राई प्रैक्टिस दिस पोर्ट्रेट मेहंदी ऑन समवन एल्सिस हैंड. इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगी कि ट्राई किसी और के हाथ में आप ट्राई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट परफेक्शन के पास रहेगा. Now while editing the video, I realized my hand was, my palm was out of focus. Video edit करते समय मेरा ध्यान गया कि मेरा हाथ out of focus हो रहा था. Because it's a very complicated situation when you are drawing something on your hand and you are handling camera also. ये बहुत ही tricky situation हो जाती है जब आप अपने हाथ के ऊपर कुछ draw कर रहे हो और आप camera भी handle कर रहे हो. So I'm really sorry for that. मैं आपके उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ. लेकिन I hope it's quite clear to watch what am I doing. ये काफ़ी क्लियर है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो अच्छे से दिख रहा है. हालांकि वो ब्लर है लेकिन आपको अंदाज़ा तो आ रहा है कि मैं क्या और किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ. अब परफेक्शन नहीं होने के बाद भी मैं ये ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. क्यों? I did not get the perfect result even though I am sharing this trick with all of you. Reason, it was highly requested video. इस वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट की गई थी. मैं इसलिए भी ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको लगेगा कि मैं जो ट्रिक आपको बता रही हूँ उसे इमिडिएटली आप पोर्ट्रेट मेहंदी करना शुरू कर दोगी. जैसे आप देख सकते हो इतने सालों से मेहंदी लगा रही हूँ फिर भी इस ट्रिक के बावजूद मुझे 100% रिजल्ट नहीं मिला है. I wanted to share few precautionary notes that even though I am doing mehndi since so many years, I did not get a 100% result with this trick. तो आप लोगों को practice की ज़रूरत पड़ेगी. आपकी ability क्या है, आपका line confidence है कि नहीं, आपको shading की practice है कि नहीं, उन सब बातों का इस final result के ऊपर असर रहेगा. इफ़ यू आर वेरी सीजन आर्टिस्ट, इफ़ यू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर लाइन्स, लाइक यू हैव अ कॉन्फिडेंट लाइन एंड देन यू कैन डू बेटर शेडिंग्स, गुड शेडिंग, देन द फाइनल रिजल्ट विल बी परफेक्ट. इवन दो आफ्टर ऑल दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट. इसके बावजूद भी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 100% रिजल्ट पाने के लिए. इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये ट्रिक अभी शेयर कर रही हूँ. That's the reason I am sharing this trick right now. तो आप लोग देख सको कि इस ट्रिक को जब मैंने पहली बार इस्तेमाल किया तो मुझे 100% रिजल्ट नहीं मिला है. जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं मिला है, तो वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है. So be patient and you have to practice a lot.
But one thing I want to promise all of you, that I will practice this trick a lot, and once I will achieve the perfection, I will reshare the entire thing with all of you. लेकिन मैं आपसे एक वादा ज़रूर करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे कि मैं खुद इसकी बहुत प्रैक्टिस करूँगी और जब मैं परफेक्शन पा लूँ तब वापस आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर करूँगी, ये टेक्निक शेयर करूँगी. लेकिन मैं चाहती हूँ तब तक आप लोग भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके पोर्ट्रेट मेहंदी की प्रैक्टिस शुरू कर दें. मीनवाइल आई ऑल्सो विश दैट यू ऑल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर पोर्ट्रेट मेहंदी यूजिंग दिस ट्रिक एंड स्टार्ट गेटिंग परफेक्शन इन पोर्ट्रेट मेहंदी. सो ऑन दैट नोट आई टेक अ लीव एंड आई होप यू ऑल वुड हैव लाइक माई दिस लिटल सीक्रेट अबाउट पोर्ट्रेट मेहंदी. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो, बिकॉज आई हैव वर्क वेरी हार्ड टू गिव यू समथिंग दैट यू ऑल वॉन्टेड डेस्परेटली. मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये लिटिल सीक्रेट आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा. और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस वीडियो बनाने के लिए. तो ये आप लोगों को कैसा लगा वो बताना, और आपका ढेर सारा प्यार अप्रिशिएशन देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब भी जो भी मैं कर रही हूँ आप लोगों की वो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, उसी की वजह से मैं कर रही हूँ. तो ढेर सारा प्यार आप सबके लिए भी. तो हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करना डेफिनेटली मत भूलिएगा, और हम वापस बहुत जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय.